हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में पर्टिकुलरली रेशनलाइजेशन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। ठीक है ना, और उसके बाद इवेलुएट करो, इवेलुएट भी करना है स्टूडेंट। ठीक है, और गिवन है रूट टू का वैल्यू 1.414, रूट थ्री का वैल्यू 1.732 और रूट फाइव का वैल्यू 2.236। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपका 4/√3। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले इसी को करते हैं। इसको पहले क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, और उसके बाद इवेलुएट करना है, वैल्यू बताना है इसका क्या होगा, और ये इनका यूज़ करके √3 का √4 √3 का √2 का √5 के वैल्यू का प्रयोग करके। तो सबसे पहले इसको हम स्टूडेंट रेशनलाइज करते हैं, तो 4/√3 हो जाएगा, यहाँ √3 न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ वो डिनोमिनेटर में जाएगा, इस तरह से लिखाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4√3, और ये √3 स्टूडेंट हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ गया हमारा 4√3/3। तो 4 × √3 यहाँ पर है ना, इसकी वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर 1.732/3। अब स्टूडेंट आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपके लिए ये छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 6/√6। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, 6/√6 रेशनलाइज करेंगे, तो √6 ऊपर आएगा और यहाँ नीचे आएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 6√6 और नीचे हो जाएगा √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आएगा √6/6। तो ये 6/6 कट जाएगा स्टूडेंट, और ये आपका क्या है, √6 है ना, √6 है तो √2 × √3 तो लिख सकते हैं ना। और जब इसको हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि √AB का मतलब होता है √A × √B, तो ये A बन गया, ये B बन गया, तो इसका मतलब हुआ कि √2 × √3, और √2 की भी वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट 1.414 इंटू √3 की भी वैल्यू हमें पता है 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, यहाँ देखेंगे आप √10 − √5/2। ठीक है, √10 − √5/2। तो ये जो है, ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम 10 को लिख सकते हैं क्या ऐसे 5 × 2 कर सकते हैं बिल्कुल, और ये सेम और बाई 2, तो ये वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, √A × √B को हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा √5 × √2, और यहाँ हो जाएगा √5 और नीचे हो जाएगा 2, यहाँ √5 कॉमन कर लेंगे तो √5 कॉमन कर लिया, तो हमारा यहाँ बच गया √2, और यहाँ कुछ नहीं, सारा का सारा कॉमन हो गया, तो वहाँ 1 समझेंगे और बाई में 2। अब ये √5 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से रखिए 2.236 इंटू इसकी वैल्यू 1.414, और ये माइनस 1 बाई में कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो 2.236 इंटू इसको आप माइनस कर दीजिए 1.414, और 1 माइनस करना है तो 1 को आप ऐसे लिख दीजिए, तो जगह आपका 414 है ये 0, तो यहाँ आ जाएगा 0.414/2, 2 से इसको कैंसिल करते हैं 0.707 आ जाएगा, ये एक मिनट, ये आ जाएगा 207 आ जाएगा, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.236 × 0.207 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर यह है
कि रूट टू बाई टू प्लस रूट टू, इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका पता है रेशनलाइजेशन कैसे होता है इसका, टू प्लस रूट टू इसी चीज़ का अपोजिट साइन करके ऊपर लिखेंगे, पता है ना रेशनलाइजेशन इस तरह से होता है। फिर हमारा ये हो जाएगा रूट टू और टू माइनस रूट टू, और नीचे दोनों एक बार प्लस से जुड़ गया एक बार माइनस से जुड़ गया। तो वैसे में फार्मूला होता है कि पहले नंबर के स्क्वायर यानी कि दो के स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर के स्क्वायर यानी कि रूट टू का स्क्वायर, इस तरह से होगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा रूट टू इंटू टू माइनस रूट टू, और यहाँ दो के स्क्वायर फोर, और यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल तो कितना आएगा टू आएगा स्टेन। तो ये हमारा हो गया टू इंटू टू माइनस रूट टू और नीचे टू, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करें, बहुत ही सिंपल, रूट टू की वैल्यू कर दीजिए 1.414, यहाँ दो है तो दो, फिर इसका वैल्यू 1.414 बाई में टू। अब ये 2.00 में से 1.414 को माइनस करिए स्टेन, तो ये कितना आएगा, ये जो हमारा आएगा वह सिक्स होगा, ये जो हमारा यहाँ आएगा वो सिक्स होगा, ये नाइन हुआ तो एट आया, और ये नाइन तो ये फाइव, और ये आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1.414 इंटू 0.586 बाई में टू। ये इसको काट दीजिए तो 0.707 आ जाएगा स्टेन, 0.707 इंटू 0.586, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टेन, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं हम, इसमें अगला जो क्वेश्चन करते हैं वो ये है कि अगला क्वेश्चन इसमें से कर रहे हैं फिफ्थ नंबर 1/√3 प्लस रूट टू, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको रेशनलाइज करते हैं रूट थ्री प्लस रूट टू, इसी का साइन बदल के ऊपर रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो भाई एक से मल्टीप्लाई होगा ये, तो वही रह जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू ही, और यहाँ हो जाएगा रूट थ्री के स्क्वायर माइनस रूट टू के स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा रूट थ्री माइनस रूट टू, और यहाँ स्क्वायर्स रूट कैंसिल, स्क्वायर्स रूट कैंसिल, थ्री माइनस टू, तो ये हमारा हो गया रूट थ्री माइनस रूट टू, और नीचे हो जाएगा थ्री माइनस टू यानी कि कितना आ जाएगा वन आएगा स्टूडेंट। तो वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 1.732 और इसकी वैल्यू 1.414, इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। क्या है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, आइए उसको समझते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नंबर एक्स मानते हैं और एक एन मानते हैं, और एक्स मानते हैं कि एक्स हमारा क्या है, वह रियल नंबर है। क्या है ये, रियल नंबर है स्टूडेंट। रियल नंबर का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। और ये जो है एन जो हमने माना, वो एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर मैंने माना, ये मैंने माना कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो एक्स के पावर एन लिखेंगे, एक्स के पावर एन का मतलब क्या हुआ, पहले इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे एंथ पावर, इसको पढ़ने का तरीका है एंथ पावर ऑफ एक्स, एक्स का कितना पावर है, एंथ पावर है। या इसका एक और तरीका हो गया कि एक्स रेज टू द पावर, रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे एंथ पावर ऑफ एक्स या एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है। अब एक्स के, या ऐसे भी हम लोग नॉर्मली कहते हैं एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन का मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितने टाइम्स, तो जितना पावर है उतने टाइम्स, यानी कि कितने टाइम्स आएगा स्टूडेंट, एक्स एक्स कितनी बार इंटू होगा, एन टाइम इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स के पावर एन, तो एन यहाँ जो होता है स्टूडेंट, एन को कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और यहाँ जो एक्स हमारा है उसको कहा जाता है बेस, उसको कहा जाता है बेस। जैसे थ्री के पावर टू लिख दिया, इसका मतलब थ्री को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, दो टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री को दो टाइम मल्टीप्लाई करना है, मीन्स थ्री इंटू थ्री। अब फोर के पावर फोर कर दिया, इसका मतलब फोर को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है, फोर, तो फोर इंटू फोर, दो टाइम हुआ अभी, ये थ्री टाइम हो गया, ये फोर टाइम हो गया, तो फोर को फोर टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे।
ठीक है, जिसमें ये हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा एक्सपोनेंट, और ये जो हमारा कहलाएगा वो हमारा बेस कहलाएगा। यहाँ फोर एक्सपोनेंट हो गया, यहाँ फोर नीचे वाला ये बेस हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, सो अभी स्टूडेंट हम लोग ने देखा था, अभी इंट्रोडक्शन लिया था, अभी हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट की बात करते हैं, मीन्स हमारे पास कोई एक नंबर है और एन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जैसे 5, 5 के पावर 2, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो इसका मतलब 5 इंटू 5। 7 के पावर 4, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इनके 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 8 के पावर 2, यानी कि 8 इंटू 8। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो ये आप जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे इसका वैल्यू, या ऐसे कर देंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं निगेटिव इंटीजर, है ना। निगेटिव इंटीजर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, निगेटिव इंटीजर का मतलब एक्स के पावर माइनस एन। तो क्या करेंगे हम इसको, एक्स के पावर माइनस एन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, 1 बाई एक्स के पावर एन इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। जैसे 5 के पावर -2 को कर देंगे 1 बाई 5 के पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 5, तो कितना आएगा हमारा स्टूडेंट, 1 बाई 25। 7 के पावर -3 है, तो इसका मतलब हुआ 1 बाई 7 के पावर 3, निगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरह से उसको हम जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो। अब इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे 343। 8 के पावर -5, तो इसका मतलब 1 बाई 8 के पावर 5, और 8 को 5 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, और वहाँ हम इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, चलो, तो निगेटिव एक्सपोनेंट भी हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी हो गया। अब रही बात कि एक्सपोनेंट हमारा जीरो है ना, जीरो एक्सपोनेंट, तो क्या होगा, जीरो एक्सपोनेंट क्या होगा, मींस एक्स के पावर जीरो। तो सीधे वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिए कि जब एक्सपोनेंट जीरो होगा, एक्सपोनेंट जीरो होगा, तो इसको देखना है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। जब किसी भी नंबर के पावर में जीरो आपको दिख जाए, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या देखना है, वैसे कंडीशन में देखना है बेस को। बेस क्या होना चाहिए हमारा, बेस होना चाहिए नॉन जीरो, यानी कि ये वाला जो होना चाहिए एक्स जो है, एक्स जो है मे बी एनी थिंग, एक्स कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर यहाँ जो भी नंबर आएगा और इसका पावर जीरो चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, जैसे 1 बाई 2 पावर 0 1, 3 टू द पावर 0 1, 7 टू द पावर 0 1, 8 टू द पावर 0 1। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 0 टू द पावर 0 क्या 1 होगा, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि फार्मूला कहता है कि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ और होगा, तब उसके पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, एक्स के 0 के पावर 0 करोगे तो 1 नहीं आएगा। इस कंडीशन में आप, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे कंडीशन में तुम बोलोगे मीनिंगलेस, 0 के पावर 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, या आप इसको कहोगे अनडिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट, या तो इसको हम लोग कहेंगे अनडिफाइंड बोलेंगे, या इसको बोलेंगे मीनिंगलेस बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव, एक्सपोनेंट जीरो, और एक्सपोनेंट नेगेटिव होने पर किस तरह से उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे रेशनल एक्सपोनेंट की बात करेंगे। रेशनल एक्सपोनेंट क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रेशनल एक्सपोनेंट में जैसे आपके पास कोई नंबर रहेगा और यहाँ उसका वो रेशनल रहेगा, ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे x, x के पावर 1 बाई 2, तो ये रेशनल कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। तो पहले इसको पढ़ेंगे, क्या रेशनल कंपोनेंट को कैसे पढ़ेंगे, तो याद रखिए रेशनल कंपोनेंट को कैसे पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड रूट, इसको बोलेंगे सेकेंड रूट ऑफ x। अब x के पावर 1 बाई 3 लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जाएगा थर्ड रूट ऑफ x, और x के पावर लिखा हुआ है 1 बाई 4, तो इसका बोलेंगे हम लोग फोर्थ रूट ऑफ x बोलेंगे, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ x बोलेंगे। x के पावर 1 बाई 10 है, इसको स्टूडेंट बोलेंगे हम लोग
ऑफ है टेंथ रूट ऑफ एक्स बोलेंगे, और यहाँ पर जो है एक्स के पावर जो है यहाँ पर आ जाएगा 1/8, इसको बोलेंगे हम लोग एट्थ है ना, एट्थ रूट ऑफ एक्स बोलेंगे। तो ये इस तरह से इसका नाम पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा सा देखिए कि एक्स के पावर 1/2 को लिखने का और क्या तरीका है, इसको लिखने का ऐसे ये भी तरीका है, ठीक है ना। यहाँ जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर उसको यहाँ लिखिएगा, और एक्स और न्यूमरेटर को पावर में यहाँ लगाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकेंड टू सेकेंड रूट ऑफ एक्स। पावर वन का तो कोई मतलब है नहीं, हटा देंगे। और दो भी हम लोग ऐसे लिखते नहीं हैं, दो भी को लिखा नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है दो के लिए खाली जगह। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर दो ही हैं, तो इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। एक्स के पावर 1/3, इसको लिखने का क्या तरीका है, एक्स कर देंगे, न्यूमरेटर को इसके में डालेंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ डालेंगे, तो एक लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। थ्री रूट थर्ड रूट ऑफ एक्स, थर्ड रूट ऑफ एक्स, ठीक है, समझने बात को, थर्ड रूट ऑफ एक्स। तो अब एक्स के पावर 1/4 है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट एक्स के पावर ये 1, और यहाँ आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा 4 रूट एक्स, 4 रूट, फोर्थ रूट ऑफ एक्स। उसी तरह से एक्स के पावर